हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सब डॉक्टर संजय सिंह आज के इस वीडियो में बात करने वाले हूँ नाखूनों में होने वाले फंगल इन्फेक्शन के बारे में। तो आज हम जानेंगे कि नाखूनों में फंगल इन्फेक्शन क्यों होता है, इसके कारण क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, किन लोगों को होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, साथ ही इसके लिए टॉप 3 होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में भी जानेंगे। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अब बात करते हैं फंगल इन्फेक्शन ऑफ नेल्स के बारे में, जिसको ऑन्कोमाइकोसिस भी कहते हैं, जो कि बहुत कॉमन नहीं होता है। अराउंड 14% पॉपुलेशन ही इन जनरल अफेक्टेड होती है फंगल नेल इन्फेक्शन से, और ये किसी को भी हो सकता है, मेल्स में भी हो सकता है, फीमेल्स में भी हो सकता है। ज़्यादातर जो हमारे टो नेल्स होते हैं, यानी जो पैर के नाखून होते हैं, वो ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो हमारे फिंगर नेल्स होते हैं, यानी हाथ के जो नाखून होते हैं, वो कम अफेक्ट होते हैं। इन्फेक्शन जो होता है, फंगस जो होता है, हमारे इन्वायरमेंट में रहते हैं, कहीं से भी थोड़ा सा ब्रीच हुआ हमारे नेल्स के बीच में, या फिर जो हमारी नेल के आसपास की स्किन है वहाँ पर थोड़ा सा भी ब्रीच मिला तो हमारे नाखूनों में एंटर कर जाते हैं और धीरे धीरे करके ग्रो करते हैं। ऑफन हम ऐसे जो इन्फेक्शन्स होते हैं उसको अवॉइड करते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि ये सिचुएशन जो होती है पेनलेस होती है। इनिशियली थोड़ा बहुत आपको नाखूनों के कलर में चेंजेस नज़र आते हैं, फिर धीरे धीरे करके ये कंडीशन बढ़ती जाती है। आपके नाखून बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड हो सकते हैं, ब्रिटल हो सकते हैं और क्रिपल्ड हो सकते हैं। नाखून जो है आउट ऑफ शेप, मतलब उनका जो आकार होता है उससे अलग बढ़ने लग जाते हैं। कई बार नाखूनों की जो ग्रोथ होती है बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, नाखून थिक हो जाते हैं, मोटे मोटे हो जाते हैं। कई बार जो नेल बेड होता है उसको छोड़ देते हैं, नाखून पूरे के पूरे निकल जाते हैं। तो इस तरह के जो लक्षण होते हैं वो दिखाई देते हैं, तो मतलब आपको फंगल इन्फेक्शन है नाखूनों में। इन जनरल ये प्रॉब्लम जो होती है किसी को भी हो सकती है, लेकिन उन लोगों को ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं जो डायबिटिक हैं, जिनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है, या फिर जिनको पहले से ही कोई ऐसा बीमारी है जिससे उनका इम्यून सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा इम्यून सिस्टम उनका अफेक्टेड है, जैसे कि कैंसर हो गया, एड्स हो गया। इस तरह की बीमारियों में जहाँ पे आपका इम्यून सिस्टम पहले ही वीक होता है, अफेक्टेड होता है, वहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं। या फिर आपको कोई और फंगल इन्फेक्शन है, टीनिया है, एथलीस फूट है, इस तरह के कोई फंगल इन्फेक्शन है बॉडी में, तो आपको नेल फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ जो लोग बहुत ज़्यादा टाइट शूज़ पहनते हैं, इल फिटिंग शूज़ पहनते हैं, और सॉक्स जो होते हैं उनके कॉटन के नहीं होते, ब्रीदेबल नहीं होते, उनको चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। कई बार कुछ इंजरी या ट्रॉमा होता है, या तो डायरेक्ट इंजरी हुई आपके नाखूनों में उससे हो सकता है, या फिर आपके नाखूनों के आसपास की जो स्किन है वहाँ पे इंजरी ट्रॉमा हुआ, तो उससे भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो जनरली ये सारे कारण होते हैं जिससे आपको इन्फेक्शन लग सकता है, और ये जो है इन्फेक्शन ठीक होने में बहुत टाइम लगता है, आपके नाखूनों को नॉर्मल होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। चीज़ों का आपको इन जनरल भी ध्यान रखना होता है, अपने नाखूनों की केयर अच्छे से कीजिए। अगर आप आर्टिफिशियल नाखून बहुत ज़्यादा पहनते हैं तो वो पहनना बंद कर दीजिए। साथ ही साथ अपने जो ट्रिमर्स होते हैं, जो नेल कटर्स होते हैं, वो किसी और के साथ शेयर ना कीजिए। और जब भी आप शूज़ पहन रहे हैं तो आपके फिटिंग के होने चाहिए, सॉक्स जो है कॉटन ब्रीदेबल होने चाहिए। और अगर आपको नेल में इंजरी हो गई, डायरेक्ट इंजरी हो गई है, तो उस जगह को क्लीन करना, उसको अच्छे से ध्यान रखना, उस इंजरी को वहीं ट्रीट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सारे जनरल मैनेजमेंट की चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा अगर आप मैनीक्योर वगैरह बहुत करवाते हैं, सलून जाते हैं, तो वहाँ भी आप ध्यान रखिए कि वो ट्रस्टेड सलून हो, जो भी इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं वो अच्छे से स्टेराइल हो, जिससे आपको इन्फेक्शन पास ना हो। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको बता रही हूँ टॉप 3 होम्योपैथिक दवाइयाँ जो बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं फंगल इन्फेक्शन जो आपको हो जाए नाखूनों का, उसमें तीनों दवाइयाँ आपको नहीं लेनी है। जिस दवा के साथ आपके लक्षण मैच करें आपको बस उसी को लेना है। सबसे पहली जो हमारी दवा है वो है ग्रेफाइटिस 30 पावर में। ग्रेफाइटिस वहाँ पे अच्छा काम करती है जहाँ पे नाखून तो आपके थिक हो गए, मोटे हो गए हैं, डिस्टॉर्टेड हैं, उसके साथ साथ जो उसके आसपास की स्किन है उसमें भी इन्फेक्शन है, उसमें से भी
इन्फेक्शन है, उसकी स्किन जो है डिस्ट्रॉय हो रही है, वहाँ से कुछ पानी जैसा फ्लूड जैसा निकलता रहता है, बहुत मोटे मोटे नाखून हो गए हैं उनको, आप अगर कट करने जाते हैं तो आपको कट करने में भी प्रॉब्लम होती है, पेन रहता है, थोड़ा सा भी जिस नाखून में अफेक्शन है वहाँ पे टच नहीं किया जाता, टेंडरनेस रहती है, तो ऐसी कंडीशन में ग्राफाइटिस बहुत अच्छा काम करती है। दूसरी हमारी दवा है सालिसिया 30 पावर में। सालिसिया कहाँ पे काम करती है? सालिसिया वहाँ पे काम करती है जहाँ पे आपको पस फॉर्मेशन हो गया, आपको नाखूनों में या नाखूनों की नेल बेड में या उसके आसपास की जो स्किन है वहाँ पे पस फॉर्मेशन हो गया है, आपको बहुत ज़्यादा टेंडरनेस रहती है, पेन रहता है, और उसके साथ साथ आपके नाखून जो है स्लो स्पीड से बढ़ रहे हैं, क्रिपल्ड हो गए हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप सालिसिया यूज कर सकते हैं। थर्ड हमारी मेडिसिन है आर्निका 200 पावर में। आर्निका वहाँ पर यूज करते हैं जहाँ पर आपको इंजरी के बाद ऐसा हुआ है कि कहीं पे चोट लगी या रिपीटेड इंजरी हुई, उसके बाद से आपको इन्फेक्शन हो रहा है, नाखूनों में दर्द हो रहा है, नाखून आपके कलर छोड़ रहे हैं, नेल बेड से नाखून आपके निकलने लग गए हैं, न्यू जो नाखून है वो बहुत स्लो स्पीड से बढ़ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आर्निका बहुत ही इफेक्टिवली काम करती है। तो फ्रेंड्स, ये 3 होम्योपैथिक दवाइयाँ मैंने बताई, इसके अलावा भी बहुत सारी दवाइयाँ जैसे कि एंटीमक्रूड, ब्यूफोराना और फ्लोरिक एसिड, ये सारी दवाइयाँ भी बहुत इफेक्टिव होती हैं नेल फंगस इन्फेक्शन के लिए। डिपेंडिंग ऑन आपके लक्षण, आपकी जो कॉज है उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है और बहुत ही जल्दी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। तो अगर आपको भी नेल फंगल इन्फेक्शन है, पेनलेस या पेनफुल कोई भी कंडीशन है, आपको बहुत ज़्यादा अपीयरेंस को लेके थोड़ा सा आपको टेंशन बनी रहती है, तो आप ज़रूर होम्योपैथी ट्राई कीजिएगा, उसके रिजल्ट मेरे साथ शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप के साथ शेयर कीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी स्टे एक्टिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।